Would you now join your class as soon as possible? Okay, now we have to start with our class. Question number 6 or 4th part. Question 6 part 4. Exercise 9.2. Question 6 part 4. Kya prove karna hai? Prove that cos theta divided by 1 minus 10 theta. Cos theta divided by 1 minus 10 theta sine theta divided by 1 minus cos theta. Cos theta plus sine theta will be equal to cos theta plus sine theta. Okay. Now the left side of star will be equal to cos theta divided by 1 minus 10 theta plus sine theta divided by 1 minus cos theta. अब देखिएगा, सबसे पहले हम यूज करेंगे tangent theta. क्या होगा? sine theta by cos theta. cos theta क्या होगा? थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा हम यूज करेंगे. कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा. साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा. हमने 10 की वैल्यू साइन को कोस कोट की वैल्यू कोस कोन साइन कोट की. अब cos of theta divided by cos theta minus sin theta divided by cos theta plus sin theta divided by sin theta minus cos theta or divided by sin theta. इस साइन रूट पर लेके जाओ, इस कोस रूट पर लेके जाओ, अल्टीमेटली क्या होगा? कोस के थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा. ये कितना? cos square theta divided by cos theta
माइनस साइन थीटा, इसमें से माइनस को भी लिया, यहां लेके आए माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये टोटल में से कॉमन। कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देन कोस थीटा माइनस साइन थीटा इनटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, जो फार्मूला हमने यूज किया वो फार्मूला हम यहाँ लिख देते हैं, यूज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला यूज किया, इस टोटल से ये टोटल कैंसिल, अल्टीमेटली कोस थीटा प्लस साइन थीटा ये आपकी राइट साइड ऑफ स्टार। Now you can do this. Third step repeat. Okay. Eighth term on the top. थर्ड स्टेप पे आइए, ये है हमारा फर्स्ट स्टेप, ये है हमारा सेकंड स्टेप, इसका लेंगे एलसीएम, कोस इनटू वन कोस माइनस का साइन डिवाइडेड बाय कोस ये होगा, साइन माइनस चीज एलसीएम या साइन माइनस कोस बाय साइन ये होगा, इसका साइन उतर गया, इसका कोस उतर गया, कोस इनटू कोस कोस के बाय समथिंग, साइन इनटू साइन साइन के बाय समथिंग, इसमें इसमें डिफरेंस प्लस माइनस का है, यहां कोस माइनस साइन है या साइन माइनस कोस है, इसमें से माइनस को लेके आ लिया, ये कोस माइनस साइन हो जाएगा, एलसीएम का लॉस सेम होगा, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी स्क्वायर, इससे कैंसिल राइट साइड आएगा। एनी डाउट टू एनीवन? अरे दिस वन इज क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का फर्स्ट, सेवंथ का फर्स्ट, दिस वन इज क्लियर बेटा, क्वेश्चन सेवंथ पार्ट फर्स्ट, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट tangent alpha plus cot alpha whole square equal to secant square alpha into cosecant square alpha. Cosecant square alpha क्या हो रहा है, left side square tan alpha plus cot alpha whole square sin alpha by cos alpha, cos alpha by sin alpha, इसका होल स्क्वायर,
sin alpha into cos alpha. Sin square alpha plus cos square alpha. Total color, whole square. Sin square plus cos square kya hota hai? One. One ka square. Only chip. Sin square alpha, cos square alpha. One ka square ko likh diya one into one. One by sin square kya ho gaya? Cosecant square alpha. One by cos square, secant square alpha. Aur ye aapke liye right hand side. हमने यूज किसका किया? हमने यूज किया 1 बाय साइन अल्फा 10 के ऊपर हमने कोसेकेंट को कर दिया 1 बाय कोस अल्फा सेकेंट को कर दिया इनका यूज किया. नाउ दिस वन इज क्लियर. एनी डाउट टू एनीवन? नेक्स्ट सेकेंड पर सेकेंड secant theta plus cosecant theta sin theta plus cos theta 7 plus second. So 7th part second. Kya prove karna hai? Secant theta plus cosecant theta sin theta plus 4 theta. After that, two plus secant theta into cosecant theta. Two plus secant theta into cosecant theta. ये बोल रहा हूँ. Left side of the secant theta plus cosecant theta into sine theta plus cos theta. Secant theta kya hota hai? One divided by cos theta. Cosecant theta kya hota hai? One divided by sine theta. यहाँ sin theta plus है, cos theta. And sin है जाए, sin theta into cos theta, sin theta plus cos theta. Sin theta plus cos theta. Upper portion क्या हो गया? Sin plus cos का whole square. Whole scale. Lower portion. Sin theta into cos theta. ये हो जाएगा sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta into cos theta. Each and every one divided by sin theta cos theta. कितना? 1 plus 2 time sin theta into cos theta. यहां तो sin theta into cos theta plus this divided by sin theta into cos theta. ये तो हो गया बच्चों 1. 1 divided by this plus 2 times this divided by this. Separate कर दिया. इससे ये और इससे ये कैंसिल. 1 by sin क्या होता है? cosecant theta. 1 by cos क्या होता है? secant theta plus 2. और ये आपकी राइट हैंड हो जाएगा. लव लव कर दिया. दिस वन इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? देखिएगा
This one is clear, beta. Next question. Question number 8 of first. Question 8, part first. Question 8, part first. Prove that cosecant minus sine, secant minus cos, cosecant theta minus sine theta, secant theta minus cos theta, tangent theta plus cos theta equal to left side of star. Cosecant theta minus sine theta, secant theta minus cos theta, tangent theta plus cos theta. Then 1 divided by sine theta minus sine theta, 1 divided by cos theta minus cos theta, sine theta by cos theta, cos theta by sine theta. Sine theta 1 minus sine square theta, 1 minus cos square theta by cos theta, sine square theta plus cos square theta sine theta into cos theta. देखिए ये बन गया cos square theta, ये बन गया sin square theta, नीचे sin theta cos theta, sin theta cos theta, ये बन गया और इस sin square से sin into sin, cos square से cos into cos. Right side of star. You can do this. Cancel to each other. This one is clear, beta. Any doubt to anyone? This one is clear. Question number 8 का सही cos k minus cos k equal to cos k cos. Question 8 का सही prove that within the root cos square theta minus cos square theta cos theta into cos theta ये क्यों कर रहा है. देखिए ना लेफ्ट साइड ऑफ स्टार cos square theta minus cos square theta cos square theta by sin square theta minus cos square theta, cos square theta common, 1 divided by sin square theta minus cos theta ka whole square or
x omega 1 minus sin square theta by sin square theta. This case where sin square root cancel. Cos theta cos square theta by sin square theta. Cos theta cos theta by sin theta. In dono ke square sin dono ka cancel. Cos upon sin square. Cos theta into cos theta right hand of the. Now you can do this. This one is clear, beta. Next. Ninth of first. Ninth of first. This one is clear, no? Question 9, part 1. Secant is 10 in whole square. Prove that secant theta minus tangent theta whole square 1 minus sine theta upon 1 plus sine theta. That is stuff. Now we are left side of stuff. Kya secant theta minus tangent theta whole square 1 by cos sine by cos whole square 1 minus sine theta divided by cos theta whole square 1 minus sin theta whole square theta 1 minus sin theta whole square 1 minus sin square theta 1 को लिख दिया 1 का square formula use करेंगे a square minus b square a minus b into a plus b ऊपर तो 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर नीचे 1 माइनस साइन थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा एक बार से फैक्टर कैंसिल ऊपर तो 1 माइनस साइन थीटा नीचे 1 प्लस साइन थीटा और ये अभी राइट साइड ऑफ स्टार नाउ यू कैन डू दिस This one is clear, beta. Any doubt to anyone? If you have any doubt, tell me about this. If you have any doubt, any one of these steps, then you can ask me without any hesitation. Ninth plus second. Last part of today lecture. Last question of today lecture. Question ninth part, second part. Prove that. Tan square theta secant theta minus 1 ka whole square minus 1 ka whole square
equal to 1 plus cos theta, 1 minus cos theta, this will come. Left side of the tangent square theta, secant theta minus 1 whole square. You know that. The formula is correct. Secant square theta minus 1 minus tangent square theta 1 of time. Or secant square theta minus 1 kya hota hai? Tangent square theta. So tangent square theta kya likhte hain? Secant square theta minus 1. Niche secant theta minus 1 ka whole square. Is 1 ko likhte hain 1 ka square. Ab hum use karenge formula. A square is B square. A minus B into A plus B. क्या हो जाएगा secant theta minus 1 secant theta plus 1 नीचे secant theta minus 1 secant theta minus 1 दो बार लिख दिया इसकी दो पावर थी एक पावर तो कैंसिल हो गई अब इस secant को लिख दिया 1 by cos theta इसको लिख दिया 1 by cos theta minus 1 1 plus cos theta by cos theta. 1 minus cos theta by cos theta. LCM, LCM, LCM. 1 plus cos theta, 1 minus cos theta. Right hand start. Now remember this. Beta, both of you have come. Now you take rest. बहुत क्लास हो जाती है थोड़ी नहीं होती हाँ जी विनोद जी Now, whatever we have to wind up our lecture. When we school open. But up to now, government is not decided that at which date school is reopened. And now you have to start online class. Be continue. Maybe from first, May ki bajaye 1st June. Now we have to wind up our class. Thank you, beta. Bye-bye.